बनाएंगे एक कटोरी से रवा ब्रेड पिज़्ज़ा। उसके लिए हमें चाहिए एक कटोरी मलाई दूध की, जो हम उतार के रखते हैं ना उसी मलाई से बनाएंगे। और इसमें डालेंगे हम 4 चम्मच रवा। इसको अच्छे से हम मिलाएंगे। प्याज, शिमला मिर्च, प्याज और गाजर डाला है। आप अपने हिसाब से सब्जियां डाल सकते हैं, जो पिज़्ज़ा में पड़ता है वही सब्जी पड़ती है इसके अंदर भी। इसमें डालेंगे नमक, स्वाद अनुसार ही हम नमक इसमें डालेंगे। तो डालेंगे इसमें ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, ऐसे अच्छे से डाल के मिला लेंगे। ऐसे हम ब्रेड ले लेंगे और इसी पे ये सारा एक एक करके एक ही तरफ से लगाना है हमको इस पर। इसमें घी मक्खन की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि खुद ही ये मक्खन इसमें बहुत सारा होता है, मलाई होता है। तो और ऐसे हम गैस पे सेक लेंगे। आप तवा रख लो, पैन रख लो। चलिए हम सेकते हैं इसको। थोड़ा सा बटर लगा लिया है हमारा। अब ये तवा गर्म हो गया है कि ये दोनों ऐसे सेकेंगे इसको। अब उनकी तरफ से भी मैं पकड़ के इसको पलट के हम सेकेंगे इसको। अब आपको ढकने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही हो जाएगा। देखिए ये ऐसे सीख जाएगा, उलट पलट हो जाता है आराम से। आप इसको सीखिए ऐसे हम सारे सीखना। अच्छा, रवा ब्रेड पिज़्ज़ा बन के तैयार हो गया और बहुत जल्दी झटपट बनने वाली चीज़ है। आप सिर्फ सामान को प्रिपेयर करके रखिए और फटाफट बना लीजिए। तो खाइए और इन्जॉय कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए बाय बाय।